रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के आरा गेट डेयरी फार्म स्थित रेलवे ट्रैक के समीप से पुलिस ने एक छात्रा का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। मृतक की पहचान मोरहाबादी कुसुम विहार के रोड नंबर 9 निवासी विजय राम की 17 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है। पल्लवी BIT मेसरा की छात्रा थी। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर आरोपी को पकड़े जाने के बाद ग्रामीण SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सुनिए। हमें एक जगह है आरा गेट, जहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस करती है। मैं सूचना कल एक दिन में ही मिला था प्रभारी को कि एक युवती का डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है और ग्रामीण और राहगीर वहाँ जमा हो गए। इसी सूचना के सत्यापन पर जब गए तो देखे कि डेड बॉडी जस्ट अभी ताज़ा ही है, ब्लड आ भी रहा था। तहकीकात के बाद पता ये चला कि ये लड़की के पिताजी वही यहाँ टाउन के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय कुमार, विजय राम। ये BIT मेसरा की छात्रा थी। अब घर से बोल के आई हुई थी कि हम हॉस्टल जा रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी जब इनका मिला तो सनसनी फैला और हम लोगों ने तहकीकात फर्दर ये किया तो मालूम ये हुआ कि पीयूष तिवारी करके एक व्यक्ति है जिनके साथ ये काफ़ी क्लोज हो गई थी और उसके ही बुलावे पर या उसके ही साथ वो वहाँ गई थी। राहगीर भी चुका है, स्पॉट पर मैं खुद ही गया हुआ था तो राहगीर लोग भी मिले हुए थे तो बताए थे कि कुछ भगझक हो रहा था। इनकी गिरफ्तारी पीयूष की हम लोगों ने आरा से किया है, बिहार आरा से किया है और स्पॉट पर जब लगाए तो बताए ये कि भगझक हुआ था, प्रेशराइज कर रही थी शादी करने के लिए और अभी ये करना नहीं चाह रहा, इस वजह से ट्रेन जैसे क्रॉस कर रही थी उसी में इसने इनको धक्का दिया, ट्रेन से टकराई, फिर बैक हुई और स्पॉट डेथ हो गया इनका, फिर ब्लीडिंग भी हुआ था। SIT का हमने गठन किया था और SIT टीम ने अच्छा काम करके समय रहते इनको डिटेन कर लिया है। प्रिंस कुमार उर्फ पीयूष तिवारी ये पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। वर्ष 2020 में इन्होंने हाफ मर्डर का केस इनके ऊपर हुआ था और फिर लास्ट ईयर आर्म्स एक्ट के भी केस में गए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।